से सामने खड़े होकर करना। सर विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट दैट द लोकसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन द 9th of दिसंबर 2019 पास्ड द आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019। आई ले अ कॉपी ऑफ द बिल ऑन द टेबल। थैंक यू। परमिटेड स्पेशल मेंशंस श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, प्लीज प्लीज। केंद्र सरकार द्वारा आदरणीय सांसदों, पूर्व सांसदों, उनके परिजनों एवं केंद्र सरकार के कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। लाभार्थी एवं उनके परिजन इस अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रायः आते जाते रहते हैं। इसलिए यह भी अपेक्षा से यहाँ नहीं जाना, अस्पतालों में जाना है तो उसका तरीका है। इस प्रकार व्यवस्थित की जाएं कि लाभार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। स्वास्थ्य मंत्रालय भी समय समय पर ऐसे निर्देश जारी करता रहता है ताकि लाभार्थियों को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधाएँ यथाशीघ्र मिले और उन्हें कोई असुविधा न हो। अपेक्षित आधारपूर्व सुविधाओं के अभाव में लाभार्थी को कष्टकारक स्थिति का सामना करना पड़ता है। सभापति जी, पूरे देश में स्थापित इन CGHS अस्पतालों में कई अस्पतालों के पास अपने भवन नहीं है। ये अस्पतालें किराए के भवन में चल रहे हैं। परिणाम स्वरूप जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए तथा बदलती हुई जरूरत के हिसाब से जो विस्तार होना चाहिए वह संभव नहीं हो पाता है। दिल्ली NCR में कई औषधालय हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं। ऐसे में फैमिली प्लानिंग या शिशु टीकाकरण की सुविधा का विस्तार यदि करना हो तो स्थान का अभाव आ जाता है। नोएडा में सेक्टर 82 में केंद्रीय विहार स्थित डिस्पेंसरी की हालत भी ऐसी ही है। किराए के मकान में चलने की वजह से आधारपूर्ण सुविधाओं का अत्यंत अभाव है। मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी औषधालय किराए के भवन में चल रहे हैं उनके लिए चरणबद्ध आधार पर प्राथमिकता से भवन का निर्माण कराया जाए। थैंक यू। श्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, विथ योर परमिशन आई एम रेजिंग अंडर स्पेशल मेंशन PIB accreditation of digital journalist. So in journalism there has been a new development over the past few years which has raised the voice of the marginalized, underprivileged, that is digital journalism, ensuring that no story can go untouched and unverified. The trust in digital journalism has risen so much that even the print and TV, all mediums have opened their online content. It is high time that the government should consider PIB accreditation for the digital journalists also. The accreditation is only limited to print and TV journalists at present. Digital media is the most democratic space where the information is sent at the speed of the light. Digital media has empowered people. The digital space permits handling of a subject with multiple viewpoints. It is richer in terms of content and constitutional values. But people working in digital space are not able to visit parliament during sessions. The accreditation will enable them to contribute more towards journalism, the fourth pillar of democracy. The parliamentary sessions and speeches of the honorable members of parliament reach public via digital media mostly. The TV and print has limited role in this matter. Earlier, only TV telecast was the medium through which the public could access the speeches in the house. Those who missed could never watch it. But digital journalists have made sure that not only clips of MPs, but the debate and discussions on those clips too reach to the public. In the 21st century of digital India, the journalists working in digital media must be given the facility of accreditation by PIB. Thank you so much, sir. Manohar Gorakhpur, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे उन्नत नगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित है। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि इसमें पढ़ने वाले छात्र पश्चिम बिहार तथा नेपाल के भी हैं। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। अंतर्राज्यीय विश्वविद्यालय माना जाने वाला यह विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह शिक्षा नहीं दे पा रहा है।
गुणवत्ता भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह से नहीं है। नेपाल तथा पश्चिम बिहार के छात्रों को शिक्षा देने वाला इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना आवश्यक है। अतः सरकार तथ्यों को संज्ञान लेते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने पर सहमति प्रदान करें। धन्यवाद। श्री सीएम रमेश, श्री किरोड़ी लाल मीना। माननीय सभापति जी, राजस्थान के 13 जिलों के लिए केंद्र में लंबित वृद्ध सिंचाई परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें मानसून के दौरान चंबल, कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध, मेज नदी के अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती एवं कालीसिंध नदियों में पहुंचाया जाएगा। परियोजना की हाइड्रोलॉजी की सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 8/2/2016 को जारी की जा चुकी है। इस परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों यथा झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर को पानी प्राप्त होगा। इस योजना में 26 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के जरिए 2,00,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की DPR केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दी है। DPR पर प्राप्त विभिन्न टिप्पणियों पर जल संसाधन विभाग राजस्थान द्वारा पालना की जा रही है। राजस्थान में मध्य प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय मुद्दों पर मुख्यमंत्री स्तर की बैठक दिनांक 27/6/2018 को भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव की हाइड्रोलॉजी के संबंध में कुछ आक्षेप उठाए गए। अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग एवं राजस्थान सरकार के मध्य केंद्रीय जल आयोग ने दिनांक 26/3/2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए आक्षेपों के निराकरण एवं DPR की शीघ्र स्वीकृति हेतु बैठक आयोजित की है। राजस्थान सरकार द्वारा 3/1/2017 एवं 10/10/2017 को भारत सरकार को लिखे गए पत्रों द्वारा पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का निवेदन किया है। अतः मेरी मांग है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर राजस्थान को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाकर राजस्थान के उक्त 13 जिलों को पानी दिलाया जाए। सत्यनारायण जैतिया जी। माननीय सभापति जी, श्रेष्ठ भारत समाज की सुस्थिति के लिए संस्कार युक्त शिक्षा, मेरा वक्तव्य संस्कृत में है, हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। श्रेष्ठ भारताय नैतिक दायित्व संस्कारः। श्रेष्ठ भारतस्य निर्माणार्थं समाजस्य सुसंस्कारं आवश्यकम् अस्ति। संस्कारः व्यक्ति प्रति कुटुम्बेन समाजेन च प्राप्यते। प्राथमिक शिक्षायां शैशवकालात् एव सामान्य व्यवहारेण, परस्परेण, आचरणेन च संस्कारः अभिगम्यते। यदा शिक्षायां मैत्री, बन्धुत्व, समान सम्मान, शिष्टाचारः समाविष्टः भवन्ति, ते सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्या अपि भवन्ति, विकसन्ति च। समाजे या आपराधिक विकृतय प्रभवन्ति ता पालन पोषणयो परिवेश च उद्भवन्ति। कुटुंब प्रमुखस्य अर्थोपार्जनं परिवेश निर्माणे अत्यावश्यकं भवति। अतएव निर्धना, अशिक्षिता, रोजगार संपन्ना, जीवनयापना समर्था आवश्यक पूर्ति क्षमा च भवन्तु। वर्तमान शिक्षाया सर्वेषु स्तरेषु नैतिक सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्य क्रियान्विता भवन्तु। एतर्थं प्रभावीनम् उपाया करणीया, तदेव शिक्षा सुफला भविष्यन्ति। विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति पर ऐषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शिक्षाया आधुनिकरणे भारतीय संस्कार अत्यावश्यका सन्ति। विद्या ददाति विनयं, विनयादयाति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमापनोति, धनाद् धर्मं ततः सुखम्। एतत् आवश्यकं लोकोपलब्धये मानवीयोद्देश्याय विसङ्गति निवारणार्थं परिवर्तनाय च। शेह ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्याग, त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। अतैव निवेदयामि केन्द्रसर्वकारं संस्कारयुक्तशिक्षायै समुचितोपायाः करणीयाः, यथा
तन्मय मन शुभ संकल्पमस्तु तन्मय मन शुभ संकल्पमस्तु अभिनंदनम ऑनरेबल मेंबर्स देर आर अराउंड 40 मेंबर्स हु आर गुड मेंबर्स हु आर देयर टिल द एंड ऑफ द हाउस टुडे द हाउस स्टैंड्स अडजॉइंड टिल 11 a.m. on Tuesday, the 10th December 2019.